नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। राजधानी के कोलार इलाके में एक शादीशुदा महिला से उसके ही परिचित ने जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार कर दिया। महिला के साथ आरोपी ने मारपीट भी की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। राजधानी भोपाल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कोलार इलाके का है, जहां एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। एएसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि आरोपी का पीड़िता के घर आना जाना था। इसी का फायदा उठाकर उसने पहले विवाहिता को अपने जाल में फंसाया और इसके बाद जबरन शारीरिक संबंध बना लिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी कर दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। महिला की शिकायत पर कोलार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा कि आरोपी का महिला के घर आना जाना भी था और जब भी मौका मिलता वह धमकी देकर महिला के साथ बलात्कार कर देता था। ये कोलार थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया है और उसके बाद मुझे धमकी दी और मेरे साथ मारपीट कर। मामले को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपी क्या करता है? आरोपी इसमें अभी कोई काम नहीं कर पाया है। पीड़िता का क्या कहना है कि साथ धमका के या? पीड़िता जो है वो शादीशुदा है और जो आरोपी है वो उससे संपर्क में था, चूंकि पास में रहने वाला है तो आना जाना भी उसका लगा हुआ था। पीड़िता का कहना है कि इसी बात का मौके का फायदा उठाकर वो ये सब हरकत उसके साथ करता था।